फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है ओबिलिया ओबिलिया कॉलोनी। ओबिलिया कॉलोनी का हम पहले क्लासिफिकेशन ले लेते हैं थोड़ा सा। फाइलम सीलेंट्रेटा का सदस्य है। सीलेंट्रेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, सील प्लस एंटरोन। सील प्लस एंटरोन, सील मतलब क्या है, कैविटी। और इसकी जो कैविटी है वो कैविटी किसकी तरह काम कर रही है, एंट्रोन मतलब एलिमेंट्री कैनाल की तरह काम कर रही है। इसीलिए इन एनिमल्स को कौन से फाइलम में रखा है, सीलेंट्रॉन। जैसे ही सीलेंट्रॉन का हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग में एग्जांपल आना चाहिए हाइड्रा एंड ओबिलिया। हाइड्रा और ओबिलिया का डायग्राम यदि हमारे दिमाग में आ जाता है तो हम उसके सारे कैरेक्टर्स उसमें लिख सकते हैं। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो स्पेशल सेल्स होते हैं निमेटोसाइट्स, क्या होते हैं निमेटोसाइट्स, दंश कोशिकाएं। निमेटोसाइट्स दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाएं कहां पर होती हैं, इसके टेंटिकल वाला जो भाग है उस टेंटिकल में बीच बीच में दंश कोशिकाएं हैं। और दंश कोशिकाओं में जो केमिकल भरा होता है वो है हिप्नोटॉक्सिन। जैसे हम हिप्नोटाइज करते हैं ना किसी को, मतलब सम्मोहित करना, तो इसके अंदर जो केमिकल है वो केमिकल जब रिलीज होता है, कोई छोटा मोटा कीड़ा अगर इनके पास में आ गया टेंटिकल्स के पास में, या कोई नुकसान पहुंचाने वाला जीव आ गया, तो दोनों ही टाइम पर निमेटोसाइट्स जो होते हैं उसमें से वो दंश कोशिका है उसमें से वो रिलीज होता है केमिकल। और वो केमिकल रिलीज होता है तो वो जो इंसेक्ट है या नुकसान पहुंचाने वाला जो जीव है उसको वो एक तरह से पैरालाइज कर देगा, सुन कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम क्या है, केमिकल का नाम क्या है, हिप्नोटॉक्सिन। और स्पेशल सेल्स कौन सी है, नेमेटोसाइट्स, ठीक है। तो इसके फाइलम को दो नाम से जाना जा सकता है, सीलेंट्रॉन। सीलेंट्रॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कैविटी है वो कैविटी ही किसका काम कर रही है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का, यानी एलिमेंट्री कैनाल का काम कर रही है। और निडेरिया, क्योंकि इसमें जो ये दंश कोशिकाएं हैं इन दंश कोशिकाओं के कारण एक पौधा होता है नीडल। नीडल पौधा ऐसा होता है कि अगर वो स्पर्श कर जाए तो पूरे शरीर पर खुजली चल जाती है। तो इसी तरह से अगर ये निमेटोसाइट्स दब जाए तो इनसे जो केमिकल रिलीज होता है वो उस छोटे जीव जो पास में उसके आ गया उसको बेहोश कर सकता है, पैरालाइज कर सकता है, ठीक है। अब हम लेते हैं फाइलम के बाद में इसकी क्लास। सीलेंट्रेट्स के अंदर जो की कैरेक्टर है क्लासिफिकेशन का वो है इनका मॉर्फिज्म, यानी जो इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, संरचना किस प्रकार की है वो, ठीक है। तो क्लास है इसकी हाइड्रोजोआ। क्या है, हाइड्रोजोआ। जोआ मतलब क्या है, जीवा, जीवक, ठीक है। तो हाइड्रोजोआ मतलब स्थानबद्ध है, मुख्य रूप से ये स्थानबद्ध है। स्थानबद्ध यानी एक स्थान पर अटैच रहते हैं, जिस तरह से हाइड्रा है, जिस तरह से ओबिलिया की कॉलोनी है, तो समुद्री पौधे की तरह ये जो है एक जगह पर स्थानबद्ध होते हैं, ये इसमें मेन पार्ट है। और जीवन की किसी अवस्था में मेड्यूसा अवस्था भी बनती है, बेल लाइक स्ट्रक्चर भी बनता है। तो मेन है, मेन क्या है इसमें, पॉलिप अवस्था मेन है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजोआ क्लास में है। कौन सी क्लास है इसकी, हाइड्रोजोआ। फिर इसके बाद में हाइड्रोजोआ के चार ऑर्डर हैं, लेकिन यहां पर हम ओबिलिया का पढ़ रहे हैं तो ओबिलिया आता है हाइड्रोइडा। किसमें आता है, हाइड्रोइडा। हाइड्रोइडा में भी मेन क्या रहेगा, पॉलिप अवस्था मेन है और मेड्यूसा अवस्था भी होती है, ठीक है। पर मेन कौन सी है, पॉलिप अवस्था है, कॉलोनी में रहने वाले जीव है, समुद्री जीव है, ठीक है। फाइलम हो गया, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा, और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ओबिलिया के बारे में। अब आप यहां पर देखें ये ओबिलिया कॉलोनी का डायग्राम है। तो ये किस कैसे लग रहा है दिखने में, जैसे कोई समुद्री नाजुक सा पौधा हो, है ना। तो इसमें ये वाला जो इसका संरचना है ये जड़ का काम करती है। जड़ क्या करती है, जिस तरह से पौधे को पकड़ बना करके रखती है सतह से, उस तरह से ये हाइड्रोराइजा कहलाता है, जो किसी सतह पर चिपकने में, अटैच होने में इसकी मदद करता है, या इसकी सहायता से हम कहते हैं, कह सकते हैं इसकी सहायता से ओबिलिया कॉलोनी
किसी सबस्ट्रेट के चिपकी हुई रहती है, हाइड्रोलाइजा। हाइड्रोलाइजा से ऊपर स्तंभ की जैसी जो संरचना निकली हुई रहती है, यह स्तंभ की जैसी संरचना कहलाती है हाइड्रोकॉलस। क्या कहलाती है? हाइड्रोकॉलस। ये दिखने में कैसे हैं? बहुत ही डेलिकेट से हल्के पीले रंग के या ब्राउन कलर के ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। जो स्थानबद्ध जो अटैच वाला पार्ट है वो कहलाएगा हाइड्रोलाइजा, और ऊपर की तरफ जो वर्टिकल पार्ट है वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोकॉलस, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, इसमें अल्टरनेट ब्रांचेस निकलती हुई दिख रही हैं। क्या दिख रही है? अल्टरनेट ब्रांचेस। अब इन ब्रांचेस में अलग अलग संरचना आपको दिख रही है, तो इसमें मुख्य रूप से जो संरचना है वो है हाइड्रेंथ, या हम कहेंगे गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रोजॉइड का मतलब क्या होता है? गैस, जहां शब्द आता है गैस्ट्रो का मतलब है समथिंग रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गैस्ट्रोजॉइड इस कॉलोनी का वो जीवक है जो इस पूरी कॉलोनी के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, यानी भोजन को पकड़ने का काम, भोजन को पचाने का काम, वो सारा किसका है? गैस्ट्रोजॉइड का है। हम इसे हाइड्रेंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो संरचना होती है वो हाइड्रा के जैसी होती है। इस वाले जॉइड की या जीवक की जो संरचना है वो हाइड्रा के जैसी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट देखें आप यहाँ पर, जैसे हाइड्रा के अंदर एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ का भी काम करती है, एनस का भी काम करती है, और ये आगे का भाग जो कॉनिकल भाग होता है इसको, ये कॉनिकल भाग है, ठीक है, हाइड्रोस्टोमा कहते हैं। इस कॉनिकल भाग को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टोमा। स्टोमा मतलब क्या है? ओपनिंग। तो ये वो वाला पार्ट है जहां पर एक ओपनिंग है विच वर्क्स एज ए माउथ एज वेल एज एन एनस, और बीच में जो कैविटी है ये कैविटी क्या कहलाती है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और ये माउथ वाला पार्ट जो है इट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, 20 या 30 टेंटिकल्स जो है ये इसके माउथ वाले पार्ट पर चारों तरफ पाए जाते हैं, और इन टेंटिकल्स में क्या होते हैं? दंश कोशिकाएं होती हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये पार्ट या ये जो इस प्रकार का जो जनक है जिसमें माउथ है और टेंटिकल्स है और इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बड़ी है, और इसका काम क्या है? पूरी कॉलोनी के लिए भोजन की व्यवस्था करना, वो वाला जनक कहलाता है गैस्ट्रोजॉइड। और यहां पर आप देखिए, ये ऐसी संरचना है, इस तरह का जॉइड है जिसमें टेंटिकल्स नहीं है, ये इस तरह की संरचना है जिसमें टेंटिकल्स नहीं है, और ये सिलेंड्रिकल संरचना है लेकिन इसके अंदर टेंटिकल्स नहीं है, इसका मतलब इसका काम भोजन से संबंधित नहीं है। तो ये किस प्रकार का जनक है? ये जो जनक है ये कहलाता है गोनेंजियम। गोनेंजियम शब्द में गोनेड आ रहा है, ठीक है, या इसको ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं। तो ये वो वाला जॉइड है, वो वाला जनक है जिसके अंदर किसका निर्माण होगा? मेड्यूसा का निर्माण होगा, मेड्यूसा का निर्माण होगा। तो ये, या हम कह सकते हैं मेड्यूसा जो आगे चल करके जो है गोनेड है जिसमें जिसमें जो है गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो अब हम यहाँ पर ध्यान रखें कि इसमें मेड्यूसा का निर्माण होगा। तो इस प्रकार के जो जॉइड है वो कहलाते हैं गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल। तो कॉलोनी की अगर दृष्टि से हम देखें तो कॉलोनी में दो प्रकार के जीवक हैं। ज्यादा संख्या किसकी है? गैस्ट्रोजॉइड की, और कम संख्या किसकी है? गोनोजॉइड की। जब कॉलोनी मेच्योर होने लग जाती है या वृद्ध होने लग जाती है उस टाइम पर जो है ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजियम का फॉर्मेशन होता है, और शुरुआत में केवल क्या पाए जाते हैं? गैस्ट्रोजॉइड पाए जाते हैं। तो अगर कॉलोनी की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर कॉलोनी में डाइमॉर्फिज्म है। डाइमॉर्फिज्म यानी द्विरूपता, दो प्रकार के पॉलिप इसमें उपस्थित है। संख्या में ज्यादा कौन से हैं? गैस्ट्रोजॉइड, और कम कौन से हैं? गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल, जो वृद्धावस्था में बनेंगे, है ना। अब हम इसकी स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो कॉलोनी क्या हो गई? डाइमॉर्फिक हो गई। थर्ड संरचना होगी इसमें जो बनेंगे मेड्यूसा, ठीक है। तो उस समय पर ये क्या कहलाएगी? ट्राइमॉर्फिक। क्या कहलाएगी? ट्राइमॉर्फिक। एट प्रेजेंट यहां जो आप देख रहे हैं ये डाइमॉर्फिज्म है, द्विरूपता है इसमें। अब हम इसकी संरचना लेते हैं। ये स्थान जो उसको अटैच करने में मदद कर रहा है ये है हाइड्रोलाइजा। जो वर्टिकल संरचना है वो कहलाएगी हाइड्रोकॉलस, और पूरी किस कलर की है?
व्हाइटिश कलर की या येलोइश कलर की है, डेलिकेट संरचना है। इसमें पूरी में बाहर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट आवरण है, बाहर की तरफ एक क्या है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी आवरण है। ये पारदर्शी आवरण क्यूटिकल का बना होता है जो निर्जीव होता है, और ये जो पारदर्शी आवरण है ये कहलाता है पेरिसार्क। पेरी मतलब परिधि, सार्क यानी आवरण, ठीक है। तो ये जो पारदर्शी आवरण है ये निर्जीव क्यूटिकल का बना होता है, और इसका फंक्शन क्या है, ये एक तरह से इसका एक्सोस्केलेटन का काम कर रहा है, इसको सपोर्ट भी कर रहा है और इसको सुरक्षित भी कर रहा है। पेरिसार्क जो क्यूटिकल का बना हुआ है, निर्जीव पार्ट है, और पूरा अंदर की तरफ जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो लीविंग है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ जो लीविंग है वो कहलाता है सीनोसार्क। वो क्या कहलाता है, सीनोसार्क। सीनोसार्क में फिर तीन लेयर है, बाहर की तरफ क्या है इपिडर्म, अंदर की तरफ क्या है गैस्ट्रोडर्म, और इपिडर्म और गैस्ट्रोडर्म के बीच में है मेसोग्लिया, ठीक है। अब हम इसकी संरचना डिटेल में वहां पर करेंगे। पेरिसार्क क्या हो गया, क्यूटिकल का बना हुआ आवरण जो निर्जीव है, जो पारदर्शी है, जो इसको सपोर्ट कर रहा है और इसको सुरक्षा दे रहा है, और अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो लीविंग पार्ट है, जिसमें अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है पूरी, वो कहलाता है सीनोसार्क। अब यहां आप देखें, जैसे ही यहां पर कोई जॉइड निकल रहा है, बन रहा है, वहां हर जगह पर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये पेरिसार्क के बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पेरिसार्कल एन्युलाई। क्या कहते हैं, पेरिसार्कल एन्युलाई। पेरिसार्कल एन्युलाई का क्या फंक्शन है, अगर ये पेरिसार्कल एनुलाई नहीं होंगे तो जल की धारा के साथ में ये टूट सकता है हिस्सा। तो ये यहां इस पॉइंट से इसको थोड़ा सा क्या मिलता है, लचीलापन। पेरिसार्कल एनुलाई की सहायता से ये थोड़ा सा पानी की धारा के साथ में मुड़ जाएगा तो टूटने से बच जाएगा। तो पेरिसार्कल एनुलाई जहां पर भी ये जो जॉइंट बन रहे हैं उसके बेस वाले पार्ट पर ये पेरिसार्कल एनुलाई है जो इसको लचीलापन देते हैं, ताकि पानी की बहाव के साथ में ये टूटे नहीं, थोड़ा सा झुक जाए वहां से, है ना। अब यहाँ पर जो है ये दो तो बता दिए हमने, गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल, और जिनमें भी टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अलग अलग स्टेजेस हैं किसकी, गैस्ट्रोजॉइड की। ये वेल डेवलप्ड है, ये भी डेवलप हो रही है, और इस तरह से ये अलग अलग स्टेजेस में है इसके। तो यहां पर हमें किसके बारे में बताना है, हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकैलस, पेरिसार्क, सीनोसार्क, दो प्रकार की जो मेन कॉलोनी, दो प्रकार के जो मेन जॉइड हैं उनके बारे में। अब हम इसी को अलग अलग लेते हैं। यहाँ ये जो डायग्राम बता रखा है ये बना रखा है किसका, गैस्ट्रोजॉइड का, और ये वाला जो डायग्राम है ये है गोनेंजियम का, और यहाँ ये जो डायग्राम है ये है मेड्यूसा का। पहले हम एक एक करके लेते हैं, ये हम लेते हैं गैस्ट्रोजॉइड वाला डायग्राम पहले। गैस्ट्रोजॉइड में आप यहां पर देखें ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ बन रहा है, जो ट्रांसपेरेंट होगा, है ना, ये हाइड्रोथीका कहलाता है। इसको पूरे को हाइड्रेंथ कहते हैं ना, तो इसका जो आवरण जो पेरिसार्क से बन रहा है, ये पेरिसार्क से बनने वाला आवरण इसका यहाँ पर हाइड्रोथीका कहला देंगे, है ना। और यहाँ ये एनुलाई वाला पार्ट हो गया, पेरिसार्कल एनुलाई, और अंदर का जो पार्ट है, बाहर का पार्ट क्या है पेरिसार्क, तो पेरिसार्क को यहाँ पर हाइड्रोथीका कह देंगे, और अंदर का जो पार्ट है वो सीनोसार्क है जो लिविंग पार्ट है। सीनोसार्क में सबसे अंदर की तरफ जो कैविटी है वो कैविटी है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में जो लाइनिंग है सेल की वो क्या कहलाएगी, गैस्ट्रोडर्म, और बाहर की तरफ जो लाइनिंग है वो क्या कहलाएगी, एपिडर्म, और गैस्ट्रोडर्म और एपिडर्म के बीच में क्या है, मेसोग्लिया, जिसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स जो है उपस्थित हैं, ये टेंटिकल्स हैं। हाइड्रा के टेंटिकल और इसके टेंटिकल में क्या अंतर है, हाइड्रा के टेंटिकल हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, जबकि ओबिलिया में इस बॉडी के जो टेंटिकल हैं वो ठोस होते हैं। ये कॉनिकल वाला पार्ट है आगे का, जो क्या कहलाता है, हाइपोस्टोमा। हाइपोस्टोमा
हाइपोस्टोमा में जो ओपनिंग है वो है इसकी माउथ वाला पार्ट, वो क्या है इसका माउथ वाला पार्ट, और इसका मेन फंक्शन क्या है, पूरी कॉलोनी के लिए भोजन की व्यवस्था करना। जैसे कोई सूक्ष्म जीव इसके पास आएगा, टेंटिकल में निमेटोसाइट सेल्स हैं, वो दब जाएंगी और उनमें केमिकल है हिप्नोटॉक्सिन। उस हिप्नोटॉक्सिन केमिकल के कारण वो जो कीट है वो एक समय के लिए सुन या पैरालाइज हो जाएगा। टेंटिकल्स उसको ऐसे पकड़ करके माउथ वाले भाग से अंदर ले आएंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आते ही क्रमाकुंचन गति होगी। क्रमाकुंचन गति से जो भोजन अंदर आया है उसको पूरा मैश हो जाएगा वो, और उसको पचा लिया जाएगा। अवचित भोजन को वापस इसी जगह से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गई किसकी संरचना, हाइड्रेंथ की, या हम कहें गैस्ट्रोजॉइड की, जो ओबिलिया कॉलोनी में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर किसकी, गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल। गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल देखो आप, सिलेंड्रिकल बॉडी है। सिलेंड्रिकल बॉडी में यहाँ भी जो पेरिस्टाल्क का आवरण है ये थोड़ा सा लूज होता है, तो ये पेरिस्टाल्क का आवरण यहाँ पर क्या कहलाता है, गोनोथीका। यहाँ क्या था, हाइड्रोथीका, यहाँ क्या है, गोनोथीका। तो गोनोथीका क्या है, पेरिस्टाल्क का आवरण ही है जो ट्रांसपेरेंट है, क्यूटिकल का बना हुआ है, थोड़ा ढीला आवरण हो गया यहाँ पर, गोनोथीका। और अंदर की तरफ ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है ये क्या है, सीनोसार्क वाला पार्ट है, जो लिविंग पार्ट है। और यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस में आप देख रहे हैं मेड्यूसा बन रहे हैं। तो यहाँ जो मेड्यूसा बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे, बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। तो यहाँ अंदर मुकुलन की प्रक्रिया होती रहेगी और जिससे क्या बनेंगे, ये मेड्यूसा अवस्था बनेंगी। जैसे जैसे मेड्यूसा मेच्योर होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ एक ओपनिंग है गोनोपोर, इस गोनोपोर के द्वारा वो बाहर पानी में रिलीज हो जाएगा। तो वो जो मेड्यूसा अवस्था है, जो छतरी के जैसी अवस्था है, वो क्या है, इसकी फ्री लिविंग अवस्था है। वो क्या है, फ्री लिविंग अवस्था। जब मेड्यूसा बन जाता है तब हम कहेंगे ये ट्राइमॉर्फिक है। ट्राइमॉर्फिक, तीन स्वरूप इसने दिखाए तब, ठीक है, उससे पहले क्या थे, डाइमॉर्फिक। तो ये जो है यहाँ पे ये पेरिसार्क, पेरिसार्क का एनुलाइड, अंदर ये सीनोसार्क, ये स्टॉक वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम किसका, गोनेंजियम का। तो गोनेंजियम का मेन फंक्शन क्या है, इसके अंदर बर्डिंग की प्रक्रिया के द्वारा, मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा मेड्यूसा का निर्माण होता है। और जब मेड्यूसा मैच्योर होता जाएगा गोनोपोर के द्वारा वो बाहर आ जाएगा, है ना। अब हम लेते हैं ये मेड्यूसा की संरचना है, अगर हम इसको नॉर्मल बनाएं तो ये छतरी के जैसा होगा इस तरह से। ये छतरी के जैसी संरचना है और ये बीच में हस्तक वाला पार्ट है, ये हस्तक वाला पार्ट है। और यहाँ छतरी के किनारे पर यहाँ पर क्या है, टेंटिकल्स है। यहाँ पर क्या है, टेंटिकल्स है। और ये ट्रांसपेरेंट है तो यहां से दिख रहा होता है सी के आकार के चार गोनैड होते हैं, सी के आकार के चार गोनैड। मेड्यूसा जो है वो दो प्रकार के होंगे, मेल मेड्यूसा एंड फीमेल मेड्यूसा। अब मेल और फीमेल मेड्यूसा क्यों नाम दिया है इनको, क्योंकि ऐसे मेड्यूसा जिनके अंदर जो गोनैड है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, मेल मेड्यूसा। अगर वो ओवा का फॉर्मेशन करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, फीमेल मेड्यूसा। बाकी बाहर से दिखने में जो है दोनों मेल और फीमेल मेड्यूसा एक जैसे दिखते हैं, उनमें कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है, लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है। छतरी के जैसी संरचना वो दिखाई देती है, चार गोनैड उसमें से दिख रहे होते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर लेते हैं इसका डायग्राम। ये मेड्यूसा जो है फ्री स्विमिंग पार्ट है इसका, कॉलोनी का, और ये वो पार्ट है जिसमें लैंगिक जनन के लिए क्या बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन होगा। मेल मेड्यूसा में स्पर्म बनेंगे, फीमेल मेड्यूसा से ओवा बनेंगे। तो यहाँ देखिए आप इसकी संरचना छतरी के जैसे, ये तो बताई दी आपको, ये इसका एक सबरेला भाग है और अंदर की तरफ वाला भाग क्या है, सब अम्ब्रेला भाग होगा, है। सब अम्ब्रेला वाले भाग के तरफ नीचे हस्तक होगा, जैसे अपनी छतरी में ना हत्था होता है पकड़ने के लिए सेंटर में, तो उसी तरह से सेंटर में क्या है, इसके हस्तक वाला पार्ट है मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इसके जो एंड पॉइंट है यहाँ पर, ये आप देखिए ये मैन्यूब्रियम है, इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पर चार पालियां हैं और इन चार पालियों से, ये चार पालियां सराउंड कर रही हैं, घेर रही हैं माउथ वाले पार्ट को। तो ये इसका माउथ वाला पार्ट है।
फिर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो ओपन होगा सेंटर वाले पॉइंट में, ये है स्टमक। क्या है ये? स्टमक। अब यहां पर चार रेडियल कैनाल्स हैं, स्टमक कंटिन्यू है किसमें? चार रेडियल कैनाल्स में, और ये चार रेडियल कैनाल्स फिर कंटिन्यू किसमें है? सर्कुलर कैनाल में। तो जैसे आप छतरी में इमेजिन कर सकते हो, जो सेंटर वाला पॉइंट है नीचे की साइड में, उसमें से चार, एक इस साइड में, एक इस साइड में और दो इस साइड में, ये कंटिन्यू जा रही है रेडियल कैनाल। ये सारी रेडियल कैनाल नीचे जो घेरा है वहां पर कंटिन्यू बना रही है सर्कुलर कैनाल। तो इस तरह से ये हो गई चार रेडियल कैनाल, और किनारे वाला भाग है ये बना रही है क्या है? सर्कुलर कैनाल। सर्कुलर कैनाल के बाहर की तरफ डबल मेम्ब्रेन इपिडर्मल स्ट्रक्चर है। ये जो डबल मेम्ब्रेन इपिडर्मल स्ट्रक्चर है ये बनाता है इसका वीलम वाला पार्ट। वीलम पर्दा कह सकते हैं या श्लेष्मा की परत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बाहर का जो है ये वीलम वाला पार्ट है, और यहाँ जैसे यहाँ बताया मैंने टेंटिकल्स हैं, तो ये टेंटिकल्स हैं इसमें। जब ये यंग मेड्यूसा होता है तो टेंटिकल की संख्या 16 होती है, उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ जाती है। प्रत्येक टेंटेकल का जो आधार वाला भाग है, ये आधार वाला भाग जो है, ये फूला हुआ भाग है, इसको कहते हैं टेंटेक्युलर बल्ब। टेंटेक्युलर बल्ब, यहाँ बीच बीच में टेंटेक्युलर बल्ब जो है यहाँ पर पाई जाती है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट संतुलन पुटिका। संतुलन क्यों? क्योंकि अब ये तैर रहा है, फ्री स्विमिंग है, तैरता है, तो यहाँ पर संतुलन पुटिका है। जबकि ओविडिया की ये जो कॉलोनी है, ये पॉलिप वाली जो कॉलोनी है, ये स्थानबद्ध है, तो इनमें स्टेटोसिस्ट नहीं पाया जाता है। लेकिन मेड्यूसा अवस्था में क्या पाए जाते हैं? स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि अब ये तैर रहा है, तैरते टाइम पर संतुलन बनाने की आवश्यकता है, तो ये सेंसरी ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट, जो टेंटिकुलर बल्ब वाले भाग में उपस्थित होगा। प्रत्येक जो रेडियल कैनाल है, प्रत्येक रेडियल कैनाल में यहाँ सेंटर में आप देखिए एक गोनैड है, यानी टोटल एक मेड्यूसा में चार गोनैड है। और गोनैड का क्या काम है? अपने अपने गैमेट बनाना। अपने अपने मतलब मेल अगर मेड्यूसा है तो स्पर्म बनाएगा, फीमेल अगर मेड्यूसा है तो ओवा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आज का जो अपना टॉपिक है, इसके अंदर मैंने बताया आप लोगों को ओविलिया का क्लासिफिकेशन, फाइलम सीरेनट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोराइजा, और हम पढ़ रहे हैं ओविलिया के बारे में। ओविलिया में ये जो कॉलोनी वाला भाग है जो अटैच रहता है शाखा की तरह है, तो वो वाला जो भाग है, इस भाग में दो मॉर्फिज्म है, यानी दो प्रकार के जॉइड है। मुख्य जॉइड इसमें कौन सा है? गैस्ट्रोजॉइड, जो भोज कॉलोनी के भोजन का व्यवस्था करने का जिसका काम है। और दूसरे कौन से हैं जो कम है संख्या में? वो है गोनेंजियम। गोनेंजियम ये जब मेच्योर हो जाता है तो उस समय गोनेंजियम का फॉर्मेशन होता है, इसको ब्लास्टोसाइट भी कहते हैं। इसके अंदर मुकुलन की प्रक्रिया के कारण क्या बनेगा? मेड्यूसा का निर्माण होगा, और मेड्यूसा जब मेच्योर होता जाएगा तो गोनोपोर से बाहर आता जाएगा। इन दोनों की संरचना ये बाहर आने के बाद में अब ये क्या है? फ्री स्विमिंग बॉडी है। मेड्यूसा छतरी के जैसी संरचना है, फ्री स्विमिंग बॉडी है। तो मेड्यूसा का निर्माण होने के बाद हम कह सकते हैं कि अब ये कॉलोनी क्या हो गई है? ट्राइमॉर्फिज्म हो गया है इसमें, यानी तीन रूप इसमें आ गए हैं। अब मेड्यूसा जो है इसके अंदर गोनाड्स होते हैं, और ये मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, और जो है मेल जो है ये गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, और गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, और जायगोट से फिर जो निर्माण होगा वो क्या होगा? लार्वा बनेगा, पहले प्लेन्यूला लार्वा, और प्लेन्यूला लार्वा स्थानबद्ध होने के बाद में एक कॉलोनी का निर्माण करेगा। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। आज का इतना टॉपिक सफिशिएंट है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।